अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फ्यूचर। दोस्तों आज बात करेंगे बांग्लादेश टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन के बारे में। तो दोस्तों बांग्लादेश टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन ने राशिद खान को चैलेंज दिया है और उसके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप राशिद खान के असली फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों जिस तरह आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को ट्राइंगुलर सीरीज़ में भी शिकस्त दी। दोस्तों इन दोनों के दरमियान एक T20 मैच खेला गया जो अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए। तो दोस्तों यकीनन उस मैच में अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान जो अफगानिस्तान टीम के कैप्टन है और शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश के ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं, दोस्तों इन दोनों के दरमियान मैच ड्यूरिंग द मैच एक फाइट हो चुकी थी और यकीनन फिर अंपायर ने इस फाइट को रोक दिया। तो बांग्लादेश टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप लोगों ने अफगानिस्तान टीम के खिलाफ ये मैच लॉस्ट कर दिया, इसकी असल वजह क्या थी। दोस्तों उसने कहा कि हमारी बाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, यानी हमने बल्लेबाजी में अच्छे रन नहीं बना दिए। तो यकीनन शाकिब अल हसन इस टीम के कैप्टन है, यानी बांग्लादेश की कैप्टन है, और सारी मैनेजमेंट शाकिब अल हसन के हाथों में है। और यकीनन दोस्तों उसने कहा कि हम अफगानिस्तान को अगले मैच में ज़रूर शिकस्त देंगे, यानी वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। दोस्तों ये मैच 21 सितंबर सैटरडे के दिन खेला जाएगा, ट्राइंगुलर सीरीज़ का 6 मैच होगा। यकीनन दोस्तों बांग्लादेश टीम के कैप्टन ने अफगानिस्तान के राशिद खान को भी चैलेंज दिया है, यानी दोस्तों राशिद खान अफगानिस्तान टीम के कैप्टन है, उसने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि राशिद खान की टीम को शिकस्त दें। तो दोस्तों राशिद खान का अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आए हैं, मैच के दौरान देखेंगे कि राशिद खान किस तरह परफॉर्मेंस पेश करेंगे। दोस्तों आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि राशिद खान अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगा या नहीं करेगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।